Hello everyone, my name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1 Commerce and Management. तो अगर आप UGC NET aspirant हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है because जैसे जैसे एग्जाम्स पास आ रहे हैं वैसे वैसे चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे आपके लिए और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं UGC NET एग्जाम के अंदर जो कवर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो जैसे कि देखा गया है कि कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ क्वेश्चंस आप कह सकते हैं जो कि करंट अफेयर्स टॉपिक से आते हैं और ये पॉसिबल नहीं हो पाता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो रेगुलरली न्यूज़पेपर में टाइम दे सकें अपने कोर्स की तैयारी करते करते, बिकॉज उन्हें अपने कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वर्किंग है, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने एम कॉम को साथ साथ परस्यू कर रहे हैं. सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हायर एजुकेशन का, डेट इज गवर्नमेंट स्कीम्स, जिससे रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पास्ट ईयर में. और जैसे कि आप सभी ने नए सिलेबस में देखा होगा कि जो पॉलिटी का सेक्शन है वो अब सिलेबस से हटा दिया है. इसका मतलब ये है कि अब पॉलिटी जो हायर एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था जिससे अप्रोक्सीमेटली 3 क्वेश्चंस आया करते थे वो अब नहीं आएंगे. इसका मतलब ये है कि हायर एजुकेशन के जो अदर टॉपिक ऐड हुए हैं उनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. और क्योंकि जो हायर एजुकेशन टॉपिक है उसमें से 5 क्वेश्चंस आना तय है, निश्चित है, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो नई गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो नए सारे टॉपिक्स उसके में ऐड हुए हैं उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए. तो आपके इस काम को आसान करने के लिए हमने एक स्ट्रैटेजी करी है कि हम हायर एजुकेशन के टॉपिक गवर्नमेंट स्कीम्स को 3 वीडियोस में कवर करने वाले हैं. तो हम 3 पार्ट्स में आपको कुछ अप्रोक्सीमेटली 30 स्कीम्स के बारे में बताएंगे. और अगर आप ये तीनों पार्ट्स को ठीक से देख लेते हैं तो एटलीस्ट हायर एजुकेशन में 2 से 3 क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर पाएंगे. तो अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं फॉर दिसंबर 2019 अटेम्प्ट तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये तीनों पार्ट जरूर देखें, बिकॉज ये तीनों पार्ट आपके हायर एजुकेशन टॉपिक को तैयार कराने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे. सो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम पार्ट 1 कवर करने वाले हैं जिसमें मैं कुछ 8 से 9 स्कीम्स के बारे में बात करूंगा. सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं. बट इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो ऊपर दिए हुए अनुज जिंदल यूजीसी नेट के आई लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहे. तो चलते हैं पहली स्कीम की तरफ और देखते हैं पहली कौन सी स्कीम है. तो जो सबसे पहली स्कीम आज मैं कवर करने वाला हूं वो है माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष. सो ये स्कीम का नाम है और इसके अंदर देखते हैं क्या चीजें हैं. सो इसके अंदर कैबिनेट ने एक कॉर्पस फंड बना दिया है. जब एक कॉर्पस फंड बनाया जाता है तो उसका पर्पस ये होता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया जाए और फाइनली आप उसको किसी भी एजुकेशनल पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकें. सो यहाँ पे जो फंड्स लिया गया है वो सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस से लिया गया है. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको अब मैं याद दिला दूं कि जो गवर्नमेंट है उसने हायर एजुकेशन सेस 1% रखा है कि ओवर एंड अबव योर टैक्सेस आपको 1% जो सेस देना होगा वो सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस कहलाएगा. और उसका जो पूरा का पूरा फंड कलेक्ट होगा गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ सेस वो इस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. और उसका पर्पस क्या होगा स्टूडेंट्स, उसका पर्पस ये होगा कि फ्यूचर में आने वाली कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के लिए ये फंड यूटिलाइज किया सके. और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्कीम के अंदर कि ये जो फंड है ये एक नॉन लैप्सेबल फंड है. इसका मतलब ये है कि इसकी कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है लैप्स होने की, ये कॉन्टिन्यूसली बना रहेगा. जैसे जैसे गवर्नमेंट हर ईयर एजुकेशन सेस से जो इनकम अर्न करेगी या जो टैक्स से रेवेन्यू अर्न करेगी वो इस फंड में डाल दिया जाएगा. और गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स बनाती है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, उन सारी स्कीम्स के लिए इस कॉर्पस से फंड लिया जाएगा. सो बेसिकली यहाँ पे एक एलोकेशन किया जा रहा है फंड्स का. आगे चलते हैं और देखते हैं सेकेंड स्कीम क्या है, मैत्रीय यात्रा. जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड यात्रा जुड़ा हुआ है. यात्रा का मतलब होता है कि ट्रैवल करना. इसका मतलब आप इस चीज से याद कर सकते हैं कि ये एक एक्सचेंज प्रोग्राम है. सो आपको मैं साथ साथ याद कराने की भी टिप्स देता जा रहा हूँ कि आप ताकि नाम से ही चीजों को याद कर सके. कई बार हमारी स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि 25 से 30 स्कीम्स है सर तो हम कैसे याद करें. सो आप इन छोटी छोटी चीजों को अगर ध्यान देंगे, छोटे छोटे वर्ड्स को ध्यान से सुनेंगे तो आप बहुत ही आसानी से स्कीम्स को समझ भी पाएंगे और उन्हें एग्जाम के लिए याद भी रख पाएंगे. तो यहाँ पे यात्रा वर्ड से आप याद रख सकते हैं कि एक एक्सचेंज प्रोग्राम है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है. और ये प्रोग्राम है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए. एंड इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था, इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने. सो पहली चीज आपको पता चल गई. अब दूसरी चीज देखते हैं कि ये क्यों किया गया था.
It was provided in order to give good opportunity for the youth of Jammu and Kashmir ताकि वो culture से related acquaintance, language से related चीजों के बारे में पता कर सकें. तो जैसे कि आपने देखा है कि जम्मू एंड कश्मीर एक बिल्कुल अलग ही पार्ट पे है, तो ये एक्सचेंज प्रोग्राम वहाँ के स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि वो दूसरे स्टेट्स में ट्रैवल कर सकें और वहाँ के कल्चर और लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ों को समझ सकें. तो ये ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का. आगे चलते हैं थर्ड स्कीम की तरफ. जो हमारी थर्ड स्कीम है उसका नाम है जिज्ञासा. जिज्ञासा का मतलब होता है स्टूडेंट क्यूरियोसिटी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जहाँ पे क्यूरियोसिटी के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो यहाँ पे स्कीम के अंदर ऑब्जेक्टिव होगा या फोकस होगा वो कहीं ना कहीं उनके इंटेलेक्चुअल चीजों से रिलेटेड होगा. सो एक बार देखते हैं क्या प्रोग्राम था ये. इट इज अ स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम. सो जैसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट और साइंटिस्ट का कनेक्ट प्रोग्राम है, मतलब किसी ना किसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा या एक कोशिश करी जाएगी कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनको साइंटिस्ट से कनेक्ट किया सके. और ये प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया है? द प्रोग्राम इज स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो ये दोनों चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे समझते हैं इसके अंदर एम क्या है. इसका एम ये है कि जो आपकी पढ़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम टीचिंग तक रिस्ट्रिक्ट ना रहे, बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको CSIR लेबोरेटरीज में ले जाया जा सके. मतलब जो भी सेंटर फॉर साइंस एंड इंस्टीट्यूशनल रिसर्च से रिलेटेड लेबोरेटरीज है वहां पे उनकी विजिट कराई जाए ताकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कर सकें अपार्ट फ्रॉम थ्योरेटिकल नॉलेज. और साथ ही साथ उनको मिनी साइंस प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व किया जाएगा. तो ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो आपको याद करना बहुत जरूरी है. और CSIR एंड केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS जो कि बहुत ज़्यादा स्कूल गवर्नमेंट स्कूल लेवल पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है या उससे रिलेटेड बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो इस कोलैबोरेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है. तो इस पर्टिकुलर स्कीम में आपको क्या क्या याद रखना है कि ये एक स्टूडेंट और साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम है. मिनिस्ट्री ऑफ HRD एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने शुरू किया था और इसका फोकस ये था कि आप स्कूल स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल क्लासेस से निकाल के प्रैक्टिकल लेबोरेटरीज विजिट कराएं ताकि वो साइंस को साइंस प्रोजेक्ट्स में भी पार्ट ले सकें और प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कर सकें. सो ये तीन स्कीम्स के बारे में हमने पढ़ लिया है. आगे चलते हैं मार्गदर्शन. मार्गदर्शन का मतलब होता है एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना. सो ये बेसिकली मेंटरशिप प्रोग्राम होगा. इसके बारे में और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं. द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड मेंटरिंग टू इंस्टीट्यूट्स. किसको मेंटरिंग प्रोवाइड की जाएगी? इंस्टीट्यूट्स को. इट विल अलाउ फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग सच एज टेक्निकल एजुकेशन, रिसर्च एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज टू इनकरेज बेस्ट प्रैक्टिसेस. अब पहली बात हमने ये समझ ली कि इसके अंदर मेंटरिंग प्रोवाइड की जाएगी. किसको? कंफ्यूज नहीं होना है, स्टूडेंट्स को नहीं, रादर इंस्टीट्यूट्स को मेंटरिंग प्रोवाइड की जाएगी. और किस टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी? दैट इज टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड या फिर कुछ और रिसोर्सेज जो उनके लिए बेनिफिशियल है. अब इसके अंदर कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करेंगे या कौन से इंस्टीट्यूट मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. इसको देख लेते हैं. इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेप्यूट विल एक्ट एज अ मेंटर विद इट्स एग्जिस्टिंग फैसिलिटी टू सर्व एज अ हब एंड गाइड एंड डिस्पर्स नॉलेज टू 10 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस. मतलब कि कुछ जो सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर मैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करूं तो जैसे कि IITs हो गए. सो IITs को चुना जाएगा कुछ 10 टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को गाइड करने में, मेंटर करने में, ताकि आप वहां पे फैकल्टी को गाइडेंस दे सकें, उनकी टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ा सकें, टेक्निकल नॉलेज को बढ़ा सकें. तो ये पर्टिकुलर एम है स्कीम का. और देख लेते हैं. गवर्नमेंट ओन्ड एडेड एंड सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटी अप्रूव बाय AICTE कैन पार्टिसिपेट. अब AICTE आपको पता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है. सारी गाइडलाइंस टेक्निकल एजुकेशन की जो इंडिया में वर्क करती हैं वो इसी इंस्टीट्यूट के कंट्रोल में होता है. सो सिंपली आपको ये समझ लेना है कि कुछ IITs के टॉप इंस्टीट्यूट्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे ताकि उनके पास जो टेक्निकल नॉलेज है वो अदर 10 टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स या फिर कॉलेजेस से वो नॉलेज शेयर कर सके. आगे देखते हैं परव्यू बॉडी. इसका मतलब ये होता है कि किस बॉडी के अंदर आता है. तो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि वो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अंदर आएगा, जो कि एक नेशनल एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है. और ये किसके अंदर लैंड करती है स्टूडेंट्स? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. तो आपको यहाँ ये पता होना बहुत जरूरी है कि किसके अंदर आएगा ये. आगे बढ़ते हैं. क्या ड्यूरेशन होगा इसका? इसका इस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होगा 3 years. मतलब 3 years में वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स को, एटलीस्ट 10 टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को प्रॉपर टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर सके. फंड डिस्पर्सल की बात कर लेते हैं, बिकॉज फंड बहुत इंपॉर्टेंट है. द फंड डिस्पर्स बाय AICTE शैल बी यूटिलाइज्ड टू कंडक्ट प्रोग्राम्स फॉर टेक्निकल अपलिफ्टमेंट ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स एंड शैल नॉट बी यूज फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट लाइक कंप्यूटर एंड लैपटॉप. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस स्कीम का कि जो भी फंड्स डिस्पर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए यूज होंगे
और इक्विपमेंट्स के लिए नहीं यूज हो सकते। तो आपको हो सकता है एक क्वेश्चन मिल जाए स्कीम से रिलेटेड कि द फंड्स कैन बी यूटिलाइज फॉर व्हाट थिंग्स। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए फंड्स यूटिलाइज नहीं कर सकते। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ, दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल बनाया गया है फॉर टीचर्स के लिए। टीचर्स के लिए एक पोर्टल बनाया गया है और इसका एम क्या है एक बार देखते हैं। इट विल सर्व एज अ नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स। सो टीचर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि आप अपनी जो भी असेसमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जो क्लासरूम में ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, वीडियो प्रोवाइड करना चाहते हैं या फिर कुछ मॉक टेस्ट करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप डिजिटली बना पाए। तो ये उससे रिलेटेड प्रोग्राम है और यहाँ पे एम क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा बाकी टीचर्स से भी कनेक्ट कर पाए। जब आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो आप सेम टाइम पे काफी अदर इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। सो यहाँ पे अभी तक कोई ऐसी स्कीम नहीं थी, कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं था जहां पे हम घर बैठे किसी भी दूसरे टीचर से कनेक्ट कर पाए। सो ये दीक्षा पोर्टल के थ्रू या दीक्षा स्कीम के थ्रू हम इस चीज को कर पाएंगे। आगे देखते हैं, इट विल हेल्प टीचर्स टू क्रिएट ट्रेनिंग कंटेंट प्रोफाइल इन क्लास रिसोर्सेस असेसमेंट्स न्यूज एंड अनाउंसमेंट। तो जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसका एम ये है ज्यादा से ज्यादा कि आप कनेक्ट करके ये सारी चीजों को डेवलप कर पाए। स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज एंड इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कैन इंटीग्रेट दीक्षा इनटू देयर रिस्पेक्टिव टीचर इनिशिएटिव्स। मतलब कि अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी चाहें तो दीक्षा पोर्टल से कनेक्ट करके इन चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स तक वैलिड नहीं है बल्कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी इसमें पार्ट ले सकते हैं। देखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट स्कीम लाती है तो उसका पर्पस सिर्फ ये नहीं रहता कि आप उसे रिस्ट्रिक्ट करें सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स तक, रादर उसका पर्पस ये रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा डिस्पेंस हो ताकि जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ, विच इज स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत। अब जैसे कि आपने ऑलरेडी सुना होगा कि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है हेल्थ में, और इतना ज्यादा हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जब तक आप हेल्दी नहीं होंगे, जब तक आप प्रॉपर डाइट पे नहीं होंगे, जब तक आप कोई डिजीज फ्री नहीं होंगे, तब तक आपका ध्यान पढ़ने में नहीं लगेगा। इसलिए बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का फोकस इस चीज पे भी है कि बहुत ज्यादा हेल्थ एंड हाइजीन पे भी ध्यान दिया जाए। एक बार पढ़ते हैं इसके बारे में। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत वॉज लॉन्च इन द ईयर 2017। द प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन, अभी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में, टू प्रिपेयर अ फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस प्रोफाइल कार्ड फॉर मोर देन 12 लाख केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स। सो जैसे कि आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालय नेशनल लेवल पे बहुत ही फेमस है इन टर्म्स ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय का ये ऑब्जेक्टिव है कि एक फिटनेस प्रोफाइल क्रिएट की जा सके जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख कैंडिडेट्स को, वो कैंडिडेट्स या आप स्टूडेंट्स कह लीजिए, जिनकी आप फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देंगे। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रहेंसिव इंक्लूसिव रिपोर्ट कार्ड फॉर चिल्ड्रन कवरिंग ऑल एज ग्रुप्स एंड चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज। मतलब हर एज ग्रुप के चिल्ड्रन के लिए एक रिपोर्ट कार्ड बनाई जाएगी उनकी हेल्थ एंड फिटनेस का क्या स्टेटस है, क्या उनको कोई डिजीजेस तो नहीं है, क्या वो प्रॉपरली सारी चीजों को एफिशिएंटली कर पा रहे हैं, क्या वो फिजिकली एज वेल एज मेंटली फिट है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक स्टूडेंट्स टीचर्स एंड पेरेंट्स अवेयर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ एंड फिटनेस एंड इनकरेजिंग 60 मिनट्स ऑफ प्ले ईच डे। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है आजकल की न्यू जनरेशन के अंदर, और इसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर्स का ही रोल इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि पेरेंट्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज जैसे जैसे पेरेंट्स अपने जॉब्स में बिजी हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। सो अब ये अवेयरनेस भी क्रिएट करने वाला है ये स्कीम कि इसके अंदर आप इंकरेज करेंगे कि एटलीस्ट 60 मिनट्स के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटी या प्ले एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फिजिकल फिट हो सके। इट ऑल्सो इंटेंड्स टू इम्बाइव वैल्यूज ऑफ ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स अमंग स्टूडेंट्स एंड मोटिवेटिंग पोटेंशियली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स। अब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज, जब हम ओलंपिक्स की बात करते हैं तो वैल्यूज लाइक टीम स्पिरिट, टीम वर्क, ऑनेस्टी, कॉपरेशन, ये सारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा ओलंपिक्स के अंदर बहुत ही क्रूशियल माने गए हैं। सो जब आप इन चीजों में पार्ट लेते हैं, जब आप स्टूडेंट्स के साथ पार्ट लेते हैं और वो गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो आप ये भी कोशिश करेंगे कि ये सारी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं या जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं ये भी आप उन बच्चों को सिखा सकें। सो कहीं ना कहीं इन एक्टिविटीज में ना पार्ट लेने की वजह से ये सारी वैल्यूज अब काफी पीछे रह गई हैं। सो हमारा ये भी एम रहेगा इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर कि आप इन वैल्यूज को भी बच्चों में इम्बाइब कर सकें। नेक्स्ट स्कीम है जो कि हमारी सेवेंथ स्कीम है, वो है ईशान उदय एंड ईशान विकास।
ये दो एलिमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के. ईशान उदय के बारे में देखते हैं. ईशान उदय इज अ स्कॉलरशिप स्कीम फॉर अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. सो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी ग्रेजुएशन में हैं उनको स्कॉलरशिप स्कीम देने के लिए ये स्कीम आई है. और ईशान विकास इज एन इंटरेक्शन एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम. और ईशान विकास जो है डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से इंटर्नशिप प्रोग्राम है. अगेन ये भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई गई है. द प्रपोजल वॉज देयर इन 2014 एंड इम्प्लीमेंटेड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन द ईयर 2018. सो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस चीज से रिलेटेड है और ये किस ईयर में आया था. तो एक्चुअली ये एग्जीक्यूट 2018 में हुआ है. इट एम्स टू प्रमोट हायर एजुकेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. सो यहाँ पे बेसिकली एम ये है कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर हम इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करेंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो पाएंगे. कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स लैक ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से, लैक ऑफ प्रॉपर फाइनेंशियल फैसिलिटीज की वजह से अपने पढ़ाई को छोड़ देते हैं और हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं. सो ये स्कॉलरशिप उनकी पढ़ाई को बूस्ट देने वाला है इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन. आगे देखते हैं इसी स्कीम के अंदर. ईशान उदय के अंदर अगर हम बात करें तो इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय यूजीसी, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. सो ये इसे एडमिनिस्टर करेगा तो आपको ये भी पता होना जरूरी है. और क्या स्कॉलरशिप अमाउंट एक बार देख लेते हैं. इट वुड प्रोवाइड 10,000 स्कॉलरशिप टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट विद पेरेंटल इनकम बिलो 4.5 लाख पर एनम फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज. इसका मतलब यह है कि अप्रॉक्सीमेटली 10,000 स्कॉलरशिप्स दी जाएगी, 10,000 लोगों को स्कॉलरशिप दी जाएगी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं इन द एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट. इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि क्या इकोनॉमिकली बैकवर्ड का मतलब है. तो जिनकी जिन पेरेंट्स की इनकम 4.5 लाख से कम है उन स्टूडेंट्स को, और वो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट परस्यू कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी. तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड का मेजर क्या है, क्या इनकम है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. स्कॉलरशिप वुड बी प्रोवाइडेड रेंजिंग फ्रॉम ₹3,500 to ₹5,000 पर मंथ फॉर स्टडिंग एट एन अंडर ग्रेजुएट कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी. सो अमाउंट भी हमें पता चल गया कि जो अमाउंट है वो है 3,500 से लेके ₹5,000 पर मंथ तक. तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है. सो हमें यहाँ पे ये भी पता चल गया कि ओवरऑल इनकम क्या होनी चाहिए और पर मंथ स्कॉलरशिप कितनी डिसबर्स होगी ये भी हमें पता चल गया. यहाँ पे एक छोटे से प्रोग्रेस के बारे में बात की गई है कि सिंस इंसेप्शन ऑफ द स्कीम फ्रॉम द ईयर 14-15 ₹224.82 करोड़ हैज बीन डिसबर्स टुवर्ड्स रिलीज ऑफ सच काइंड ऑफ स्कॉलरशिप. सो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप में ताकि हायर एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके. एक बार ईशान विकास स्कीम को भी ठीक से देख लेते हैं. नाउ अंडर दिस प्रोग्राम टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, हमने पहले बात कर दी थी कि ईशान विकास इज एन इंटर्नशिप प्रोग्राम. सो यहाँ पे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाएगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन कर सकें. कहाँ इंटरेक्शन कर सकें, IIT से, IIM से और ICER से. तो ये जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इनमें ज्यादा से ज्यादा इनका इंटरेक्शन बढ़ाया जा सके इंटर्नशिप, ताकि जो वहां पे बिल्कुल जो रोबोस फैकल्टीज हैं और जो उनकी नॉलेज है उनको प्रॉपरली शेयर किया जा सके. और इसको कोऑर्डिनेट कौन करने वाला है, IIT गुवाहाटी. सो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपको याद करने की जरूरत है कि इसका जो कोऑर्डिनेशन का काम है इंटर्नशिप का ये IIT गुवाहाटी को दिया गया है. टारगेट के बारे में देख लेते हैं. एनुअल टारगेट इज टू बी प्रोवाइडेड टू विजिट 96 स्कूल चिल्ड्रेन टू प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स एंड समर इंटर्नशिप्स टू 250 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. सो बेसिकली यहाँ पे एम ये है कि आप कुछ 96 स्कूल स्टूडेंट्स को भी इंस्टीट्यूट से कनेक्ट करके इंटर्नशिप प्रोवाइड कराएं एंड एट द सेम टाइम 250 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कराई जाए. फंड डिसबर्सल के बारे में दिया गया है, ज्यादा आपको फंड्स को याद करने की जरूरत नहीं है. एंड अगेन यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्रेस के बारे में बताया गया है. सो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि IIT गुवाहाटी इज द कोऑर्डिनेटिंग लिंक एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की जाएगी विद देयर इंटरेक्शंस एट टॉप इंस्टीट्यूट्स. आगे चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ, जो कि हमारी लास्ट स्कीम है फॉर पार्ट वन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, दैट इज शोध गंगा. अब जैसे कि गंगा एक बहुत ही बड़ी रिवर है, या आप कह सकते हैं कि एक समेशन है, कल्बिनेशन है काफी सारे रिवर्स का, उसी तरीके से शोध गंगा एक रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी बनाई गई है जहां पे जितनी भी अभी तक MPhil और PhD थीसेस हुई है. जैसे कि आपको पता होगा क्योंकि आप नेट GRF परस्यू कर रहे हैं कि आप जब अपनी PhD सबमिट करते हैं या MPhil सबमिट करते हैं तो आपको एक थीसेस कंप्लीट करनी पड़ती है जो एक समरी होती है कि आपने पूरा क्या किया है रिसर्च वर्क में. सो इन ऑर्डर टू हेल्प द अपकमिंग रिसर्चर्स, ताकि जो नए रिसर्चर्स आ रहे हैं वो उन थीसेस को देख सकेंगे, थीसेस बनाते कैसे हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, एक रिपोजिटरी बना दी है गवर्नमेंट ने इन टर्म्स ऑफ शोध गंगा. एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप अभी तक सारी MPhil और PhD थीसेस को देख सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं.
और इसका टास्क क्या है, द टास्क ऑफ सेटिंग ऑफ दिस रिपोजिटरी इज असाइंड टू इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क दैट इज इन्फ्लिप्लेंट। सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसको ये टास्क असाइन किया गया है, और ये जो यूनिवर्सिटी है या जो इंस्टीट्यूट है ये आता है अंडर यूजीसी, सो यूजीसी की गाइडलाइंस के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एक्सेस टू इंडियन थीसिस एंड डिसर्टेशन इन ओपन एक्सेस टू वर्ल्ड वाइड अकेडमिक कम्युनिटी एंड मेकिंग विजिबिलिटी ऑफ इंडियन रिसर्च टू अदर कंट्रीज। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये सिर्फ नेशनल लेवल तक सीमित नहीं है, बल्कि क्योंकि एक वेबसाइट है, रिपोजिटरी है, तो इसने ओपन एक्सेस प्रोवाइड कर रखा है ताकि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर इंडिया में किस टाइप की रिसर्च हो रही है, किस टाइप की डेवलपमेंट हो रही है उसको देखना चाहते हैं तो वो भी इस वेबसाइट पर जाके एक्सेस करके देख सकते हैं थीसिस के थ्रू। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई एम श्योर कि जो हमने जो आठ स्कीम्स कवर करी हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमने ये टॉपिक इसलिए कवर किया है बिकॉज स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स जो हैं वो कवर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज करंट अफेयर्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। सो अगर आप ये 15-20 मिनट की दो तीन वीडियोज देख लेंगे जो कि हमने तीन पार्टों में कवर की है, तो आपका हायर एजुकेशन का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज गवर्नमेंट स्कीम वो बहुत अच्छे से कवर हो पाएगा। सो इसलिए आप ये पूरी वीडियो जरूर देखें और कुछ पॉइंटर्स बना लीजिए कि आपको क्या क्या चीजें इसमें से याद करनी है, तो आई एम श्योर कि आप बहुत आसानी से यूजीसी नेट का जो आने वाला पेपर है उसे क्लियर कर पाएंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।